हेलो फ्रेंड्स, आपके फरमाइश पर मैं ये छोटे कृष्ण भगवान का वस्त्र लेकर आई हूँ। इसमें बिल्कुल पतला ऊन, देखिए पतला कुरुस 1.75 mm का कुरुस का इस्तेमाल किए हैं, और ऊन पर हम लोग ऊन बिल्कुल पतला जैसा कुरुस वैसा ऊन लेंगे। और इसके बाद 31 घर इसमें चैन, 31 चैन डालने के बाद सिंपल बुनाई कर लेंगे, देखिए इस तरह से। इसके बाद हम लोग दोनों को आपस में जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद वही डिजाइन बनाएंगे जो पिछले पोशाक में दे चुके हैं। एक, दो और ये रहा तीन। इसमें आप चाहे तो चार भी दे सकती हैं, लेकिन तीन ही ठीक रहेगा। इसके बाद फिर एक चैन ले लेंगे बीच में, प्रत्येक घर में इसी तरह एक फूल बनाते चले जाएंगे। इसी तरह प्रत्येक घर में एक फूल बनाते चले जाएंगे। तो हम लोग पहले बना लेते हैं फूल। ये देखिए, ये हम कंप्लीट कर लिए। इस कलर्स का ऊन से पूरा कंप्लीट करने के बाद में हम दूसरे कलर का ऊन को जोड़ लिए। जोड़ने के बाद में इसमें प्रत्येक इस रो में हम तीन फंदे डालकर फूल बनाए हैं, और इस रो में हमें चार फंदे डालकर फूल बनाना है। देखिए, एक, दो, तीन और ये रहा चार। चारों को एक साथ गिरा देंगे इस तरह से, फिर एक बार इस तरह से बीन लेंगे, फिर दूसरे में बनाएंगे। फिर इसे जोड़ देंगे आपस में इस तरह से। जुट गया, देखिए इस तरह से बन गया ये आपका। अब यहाँ से धागा काट देंगे। काटने के बाद इसका ये चीज बनाएंगे हम लोग, इसके लिए दूसरा ऊन जोड़ेंगे। अब इसमें हम लोग इस फंदे को यहाँ पार कर लेंगे और यहाँ से फूल बनाएंगे। एक बार में तीनों को गिराएंगे, फिर दूसरे बार में दो बार करके गिराएंगे, और तीसरे बार में भी दो बार करके गिराएंगे, चौथे बार में भी उसी तरह करेंगे। देखिए ये इस स्थान पर बन गया। अब इसे हम लोग इस जगह पर, ये इस जगह पर हम लोग इसे बंद कर देंगे, देखिए ऐसे। अब फिर हम लोग यहीं पर दूसरा बनाएंगे। फिर हम लोग इसे अगले जगह पर बंद कर देंगे इस तरह से। इसी तरह हम लोग इसकी पूरी गोलाई हम लोग इसी तरह कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट करने के बाद में ये रहा आस्तीन का जगह। ये आस्तीन हम लोग देखिए किस तरह से बनाएंगे। यहाँ ये एक, ये दो,
और ये रहा तीन, तीन ही लेंगे क्योंकि पोशाक हम लोगों का छोटा है। देखिए इसे कितने बार लिए हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 लेने के बाद में एक बार बीनेंगे और दूसरे बार 1 2 3, तीन तीन दोनों भाग को अलग कर देंगे, तीन तीन बीनते हुए 1 2 करके गिरा देंगे हम लोग। इस जगह पर हम लोग दोनों भाग को बांट देंगे। बांटने के बाद में इसे हम लोग तीन बीन चुके हैं, अब प्लेन दो बार हम लोग और इसमें चला लेंगे। इस तरह से बिनने के बाद में इसे यहाँ पर इस स्थान पर जोड़ देंगे और इधर से एक भाग बनाकर इस स्थान पर जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद आपका पोशाक इस तरह का हो जाएगा। देखिए ये दो बार बनाए हैं, ये तीन तीन छः, अब फिर इस दोनों को दो भाग में बांट दिए हैं, तीन इधर फिर 1 2, दो बार बिनने के बाद में इसे यहाँ जोड़ दिए हैं, यहाँ जोड़ दिए हैं और इस घेरा को जैसा हम अभी बतलाएँ आप लोगों को उसी तरह इस घेरा को पूरा कंप्लीट कर ले। तो अब आपका ये छोटा पोशाक भी तैयार है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।